को आए हैं हम, दिल में उभाए हैं हम, करने को अभिनंदन पूछ फैलाए हैं हम, कहते हैं हम सत्य का सुनो जी आप सभी का, कहते हैं हम सत्य का सुनो जी आप सभी का, स्वागत को ये जो गुरुकुल का परिसर है, ये विशेष करके हमारे आदरणीय माननीय आदेश चौहान जी जो विधायक है उनके जो क्षेत्र में पड़ता है, वो हमारे बीच में उपस्थित है। सम्मेलन की ओर से, आप सब की ओर से मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना संदेश दें। भारत माता की, भारत माता की। आज स्वामी सद्दानंद जी की इस तपोभूमि, कर्म भूमि पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय या गुरुकुल परिवार के में आयोजित सार्वदेशिक आर्य प्रति सभा के सौजन्य में इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता, और मैं समझता हूँ कि हमारे अभी स्वामी तीशानंद जी ने जिनके बारे में काफ़ी कुछ कहा है, और मैं तो कहता हूँ कि योग से पूरे विश्व का साथ साथ कार्य तो उन्होंने कराया है, लेकिन जिस अभियान पे वो निकले हैं तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व को स्वस्थ करने की दिशा में वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने जो काम किया है तो निश्चित रूप से पूरे विश्व के अंदर स्वास्थ्य के प्रति, योग के प्रति जो भावना जागृत हुई है, तो केवल भारत ही नहीं पूरा विश्व का कल्याण उससे होने वाला है। इतना बड़ा काम आचार्य श्रद्धेय रामदेव जी कर रहे हैं, तो आज इस मंच पर वो उपस्थित है, ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। हम जिस क्षेत्र में हैं, मैं तो लगातार, क्योंकि स्वामी जी का सानिध्य हम लोगों को मिलता रहता है, तो हम सबका परम सौभाग्य है। इस अवसर पर हमारे महामहिम राज्यपाल जी जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, ऐसे आदरणीय राज्यपाल महोदय। मैं तो केवल, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े विद्वत जन मंच पर हों तो मेरे सामने कुछ बोलने को बसता नहीं है, लेकिन जो कार्यक्रम हो रहा है ये मेरी ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर हो रहा है, इसका मुझे गर्व है। और यहाँ पर आप सब आर्यजन भारत के कोने कोने से पवित्र पावनी माँ गंगा के तट पर यहाँ आए हैं, तो मैं अपनी पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, अपनी ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरा परिवार भी आर्य समाज से जुड़ा रहा है, और जब भी किसी आर्य समाज के कार्यक्रम में हम लोगों का जाना होता है तो हम पुराना इतिहास याद करते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं। जब यहाँ बहुत बड़े बड़े मेले लगा करते थे, लाखों लाखों लोग यहाँ आया करते थे, एक समय वो भी आर्य समाज का रहा है। बीच का कुछ कालखंड ऐसा रहा कि जब
कहीं ना कहीं हमारे काम में कमी आई है, अन्यथा देश की आज़ादी का इतिहास हम देखते हैं तो एक मायने में उसका पूरा नेतृत्व हमारे समाज के हाथों में दिखाई देता है। और आज भी हम ये कह सकते हैं कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं, देश के सामने जो संकट हैं, उनको यदि पार करना है, उनको हमको लोहा लेना है, उन चुनौतियों हमको सामना करना है, तो एकमात्र आर्य समाज ही वो शक्ति दे सकता है पूरे देश को, जिसके हम उन सब चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आज पूरे विश्व के अंदर नहीं, हमारे देश के अंदर खासकर जो आतंकवाद है, जातिवाद है, अशिक्षा है, इन सब का समाधान अगर कोई एक सूत्र में कोई पूछे कौन कर सकता है तो आर्य समाज कर सकता है। मित्रों, आज भी आर्य समाज के नेतृत्व में देश की आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया। वो लड़ाई तब लड़ी गई थी, देश उसके परिणाम से स्वरूप आज़ाद हुआ, लेकिन आज भी एक लड़ाई देश के अंदर चल रही है। मैं समझता हूँ कि जो स्वामी जी यहाँ रामदेव जी बोलेंगे तो उनका ईश्वर कुछ ना कुछ उद्बोधन हम लोगों को मिलेगा, और वो मैं समझता हूँ अपने निर्णायक दौर में वो लड़ाई चल रही है इस समय। एक तरफ वो शक्तियाँ हैं जो इस भारत की भूमि से प्यार करती हैं, इसको मातृभूमि को माँ के रूप में पूजती हैं, और एक वो शक्तियाँ हैं जो इस भारत के अंदर रहकर भी इस भारत माँ को लगातार खंडित और कलंकित करने का काम करती हैं। तो इन दो विचारधाराओं का जो लड़ाई है, उस लड़ाई को यदि हमको जीतना है तो आर्य समाज को बहुत सक्रिय रूप से आगे आना होगा। इतना ही निवेदन करते हुए आप सब लोगों का मैं अपने पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिनकी प्रतीक्षा आप कर रहे हैं, स्वदेश और स्वाभिमान की भावना को जागृत करके भारत के जन जन तक पहुंचने वाले जो है नायक योग गुरु स्वामी रामदेव जी हम सब के बीच में उपस्थित है, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब मैं हमारे माननीय पूजनीय स्वामी रामदेव जी महाराज से निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा, वो जो है अपना संदेश दें। स्वामी रामदेव जी, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गुरुवर विरजानंद की, महर्षि देव दयानंद की, भारत माता की। यदि महर्षि दयानंद सरस्वती ना होते और स्वामी श्रद्धानंद ना होते तो आज स्वामी रामदेव भी आपके बीच में ना होते। लोग पूछते हैं गुरुकुल में पढ़ने वाले देश और दुनिया में क्या काम करते हैं। अब मैं जब देश और दुनिया में जाता हूं तो लोग कहते हैं तो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड वाले पीछे रह गए, गुरुकुल वाले आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने का पैमाना खाली आर्थिक समृद्धि नहीं है, आगे बढ़ने का मापदंड केवल हमारी भाषाओं की कुशलता मात्र नहीं है। आगे बढ़ने का जो पैरामीटर है वो खाली हमारी जो मेटलिस्टिक सक्सेस है वही नहीं है। आगे बढ़ने का जो सबसे बड़ा पैरामीटर हमारे शास्त्रों ने कहा है कि हमारे जीवन में अभ्युदय और निःश्रेयस रूप धर्म कितना प्रतिष्ठित है, यह विकास की सच्ची समृद्धि की परिभाषा है। और आज यहां सब आर्यजन आए हैं, मुझे संकेत रूप में कुछ बातें कहनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि परसों ही मेरे पास पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी मिलने के लिए आए, और उसके तुरंत बाद ये सुबह मिलकर के आए तो इनके शाम को इनके बाद सुरेश अग्रवाल जी, विनय जी और हमारे दूसरे भाई प्रकाश जी, ये सब भी मिलने के लिए आए। मैंने कहा भाई देखो, हम तो महर्षि दयानंद और आर्य परंपरा और संस्कृति को जानते हैं, क्या ये हो नहीं सकता कि सब मिलकर के एक हो जाओ? तो दोनों ने कहा स्वामी जी आप जो कहोगे वैसे ही हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये काम भी अब होना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी अफ्रीका में जाता हूं, यूके में जाता हूं, अमेरिका में जाता हूं तो चारों तरफ से एक ही आवाज आती है, आर्य समाज ही हूं तो वेद मार्ग पर चलने वाले हैं, संस्कृते न गमे माश्रुते न विराधिसी, संगत छध्वम संवत अध्वम संवो मनांसी जानतम कौ दुघोष करने वाला आर्य समाज,
जब एक हो जाएगा तो इससे देश नहीं पूरी दुनिया पूरी मानवता को प्रकाश मिलेगा। अभी बुराड़ी में दिल्ली में 11 लोग अंधविश्वास के कारण से पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार जो है वो आत्महत्या करके समाप्त हो जाता है। ये मात्र 11 लोगों की आत्महत्या का प्रश्न नहीं, चारों तरफ देश में ढोंग आडंबर अंधविश्वास और पाखंड चल रहा है, उसका समाधान एकमात्र महर्षि दयानंद की विचारधारा है। बहुत बुरी हालत है, कोई राहु और कोई केतु, कोई भूत प्रेत के नाम से डरा रहा है। भाई देखो, मैंने महर्षि दयानंद से जो सीखा कि भाई दुनिया के लोगों को सत्य के धर्म के मार्ग पर चलना है, ऋषियों के मार्ग पर चलना है, तो भाई एक ही तरीका है, जो भी सार्वभौमिक सत्य है, जो वैज्ञानिक सत्य है, जो सर्वहितकारी सत्य, उसको स्वीकार करना चाहिए। ये लोगों को बहका करके लूटते हैं और उनको सच्चे धर्म के मार्ग से भी विचलित करते हैं। तो मुझे लगता है भूत प्रेत और तमाम तरह के ढोंग आडंबर और पाखंड की दो दुकानें चल रही हैं। मुझे एक बात को कहते हुए थोड़ा सा कि आर्य समाज के लोगों को ईश्वर का सच्चा स्वरूप बताना चाहिए और असली खंडन इस पाखंड का करना चाहिए। मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को उसमें आपत्ति हो, कुछ आपको भी हो और कुछ तथाकथित पाखंडी लोगों को भी हो, लेकिन विषय आज इस देश में ढोंग आडंबर अंधविश्वास पाखंड, इस देश में अश्लीलता, इस देश में नशाखोरी, ये ज्यादा बड़े प्रश्न हैं। और महर्षि दयानंद और आर्य समाज ने सबसे बड़ा काम यह किया कि एक तरफ हमें ढोंग आडंबर अंधविश्वास पाखंड से बचाया, दूसरी तरफ इस देश को नशा और अश्लीलता से बचाया। दुनिया की 20-22 संस्कृतियां केवल नशा और अश्लीलता के कारण से खत्म हो गई और हमें कहते हुए फक्र होता है कि आर्य समाज का एक भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई नशा और अश्लीलता नहीं करता, सच्चरित्रता में पवित्रता में सबसे अग्रणी होता है। ये आर्य समाज का आचरण है, इन बातों को हमें आगे लाना होगा और इसकी आवश्यकता इस समय। शराबबंदी एक उपाय हो सकता है, गुजरात में शराबबंदी है लेकिन फिर भी वहां दारू बिकती है। शराबबंदी के लिए स्वामी अग्निवेश जी ने भी बड़े बड़े आंदोलन चलाए। महाराज, हम उस समय गुरुकुलों में पढ़ा करते थे, स्वामी जी ने बड़े बड़े आंदोलन चलाए। एक बार हरियाणा में भी शराबबंदी हो गई, अभी नीतीश जी ने बिहार में शराबबंदी के, मैं इन बातों का समर्थन करता हूं। अभी एक बात को कहता हूं, आर्य समाज यदि प्रखर आंदोलन चलाए तो देश में शराब पीने वाले ही ना मिले, ऐसा वातावरण हम तैयार कर सकते हैं, युवाओं के भीतर ऐसी चेतना का संचार कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस देश का चरित्र इतना पवित्र हो, न मेस्ते नो जनपदे न कदर्यो न मद्यप न अनावताग्निर्न विद्वान न स्वरी स्वर्णी कुता। जो अश्वपति की घोषणा थी वो मात्र उपनिषद घोषणा बन करके ना रह जाए, ऐसा चरित्र हम इस देश में क्यों नहीं बना सकते। तो आर्य समाज के पास बहुत बड़े बड़े उत्तरदायित्व हैं, आर्य समाज के आंदोलन की आज भी आवश्यकता है और उसको विविध दिशाओं से आगे लेकर के संगठित रूप से हम आगे बढ़े। अभी से देश में दलितों को जो शोषित वंचित हैं उनको और आर्यों को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। 5000 से ज्यादा आर्य समाज की संस्थाएं पूरे देश में, सारे आर्य समाज की संस्थाएं खड़े होकर के एक स्वर से कहें कि हमारे दलित भाइयों के शादी विवाह से लेकर के उनके घर परिवार के उत्सवों से लेकर के किसी भी चीज के लिए आवश्यकता है तो आर्य समाज की संस्थाएं दलितों के लिए खुली हुई है। यह कार्य फिर से आर्य समाज को करने की आवश्यकता है। चारों तरफ से कई प्रकार के, देखो कुछ सांस्कृतिक आक्रमण है, कुछ राष्ट्रीय एकता अखंडता और संप्रभुता पर आक्रमण है, कुछ हमारे स्वाभिमान के ऊपर आक्रमण है, कुछ आर्थिक आक्रमण है, राजनीतिक आजादी मात्र से को देश स्वाधीन और स्वतंत्र नहीं हो जाता। राजनीतिक आजादी तो हमको 70 साल पहले मिल गई, लेकिन शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, भाषा की आजादी, संस्कृति और सभ्यता की स्वाधीनता, बड़े बड़े प्रश्न हैं। एक तरफ हमारे सामने वैचारिक स्वाधीनता का प्रश्न है, मैकाले की शिक्षा पद्धति से
जो एक ब्रेन की प्रोग्रामिंग की गई, उसमें व्यक्ति को मात्र एक मशीन की तरह तैयार कर दिया गया। मनुष्य के लिए विकास की बात की गई, लेकिन मनुष्य का विकास, यह तो बहुत बड़ा प्रश्न है। और जीवन का समग्र विकास, जीवन का दिव्य विकास, विकास वह नहीं है जो विनाशकारी है, वह विकास एक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को परमात्मा ने जो अपरिमित ज्ञान, अपरिमित संवेदनाएं, अपरिमित सामर्थ्य, ऐश्वर्य दिया हुआ है। मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और एक एक मनुष्य में परमात्मा ने अपरिमित सामर्थ्य देकर के इस धरती पर उसको जन्म दिया है। उसके उस भीतर के असीम सामर्थ्य को जागृत करने का काम यह शिक्षा का है, यह गुरुकुलीय पद्धति का है, जो पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी अभी कह रहे थे। मैं वैसे घर से बाहर निकला था तो सबसे पहले महाराज जी आप ही के गुरुकुल में गया था। मुझे नहीं पता था कि यह गुरुकुल कहां है। मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती को पढ़ा 9 वर्ष की उम्र में, और लगभग 12-13 वर्ष की उम्र में मैंने स्वमंतव्य, मंतव्य, आर्य उद्देश्य, रत्नमाला, सत्यार्थ प्रकाश, गो करुणा निधि, संस्कार विधि से लेकर के और महर्षि दयानंद का वेद के अतिरिक्त सारा साहित्य और महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र को कम से कम 3 बार पढ़ा, और मन में संकल्प जगा मुझे मैकाले की शिक्षा पद्धति से शिक्षा नहीं लेनी, मुझे गुरु शिष्य परंपरा से गुरुकुलों में शिक्षा लेनी है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था गुरुकुल है कहां, एड्रेस नहीं पता था। गुरुकुल में तो पढ़ना है लेकिन गुरुकुल का एड्रेस नहीं पता था। तो मैंने सुना हरिद्वार में कोई गुरुकुल होगा तो यहां चल पड़ा, यहां कोई मिला नहीं। पूज्य स्वामी जी बैठे हुए इधर, दिव्यानंद जी उनके आश्रम में गए, वो उस समय कहीं बाहर थे, तो उन्होंने कहा जी हाँ अभी यहाँ कोई गुरुकुल नहीं चलता है, स्वामी जी योग सिखाते हैं। फिर ज्वालापुर एक आर्य समाज में गया, उन्होंने कहा जी भोला झाल प्रभात आश्रम एक गुरुकुल है। तो मैं रात को स्वामी जी विश्राम में चले गए थे, रात भर एक तख्त पर मैं वहाँ लेटा, और सुबह महाराज जी की खड़ाऊ कुटिया के बाहर पड़ी रखी हुई थी, तो मैं वहाँ बैठ गया जा करके। तो मेरी उम्र थोड़ी कम थी, तो महाराज ने थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि ये 5वीं से लेते हैं, तो बोले ब्रह्मचारी तुम्हारी उम्र तो ज्यादा हो गई है। तो मैंने कहा महाराज क्या करें, हमको प्रश्न प्रतिप्रश्न उस समय करने नहीं आते थे, तो तुम्हारी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, तुम 2 साल थोड़े ज्यादा बड़े हो गए हो, तो तुम जाओ गुरुकुल में कालवा में पढ़ो। अब कालवा में गए तो उन्होंने कहा तुम्हारी उम्र थोड़ी कम रह गई है, तुम थोड़ा जल्दी आ गए। लेकिन हम भी हारने वाले नहीं थे, हमने कहा भाई और कोई ठिकाना हो सकता है, बोले गुरुकुल खानपुर है। तो वहां जाते ही गुरुजी बोले कि भाई देखो पढ़ा तो लूंगा, क्योंकि मैं जिस गांव में पैदा हुआ उसके नजदीक था, लेकिन तुम्हारे घर पत्र लिखूंगा, और यदि माँ बाप तुम्हें लेके गए दोबारा तुम आ गए तो पढ़ लोगे, नहीं तो फिर वहीं जाओगे। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी हमने एक ठान रखा था कि पढ़ना है तो गुरुकुल में ही पढ़ना है, और संकल्प में विकल्प आना नहीं चाहिए। मैं आपको इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि यह जो गुरुकुल है, जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा कि मात्र सिलेबस गुरुकुल नहीं है, एक जीवन पद्धति है, यह मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया है, यह मनुष्य के अंदर देवत्व और ऋषित्व को, मानव के अंदर महामानव को जागृत करने की एक बहुत श्रेष्ठ पद्धति है। यह मैकेनिज्म है, मेथड है, प्रोसीजर है कि एक मनुष्य का समग्र विकास कैसे किया जाए। जो वेदों में उद्घोषणा की अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवे विहृतमानुषे भी यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणं तम ऋषिं तम सुमेधां। यह वेद की परंपरा है कि जो गुरुकुलीय परंपरा में दीक्षित हो गया और सच्चे अर्थों में जिसने गुरुकुलीय जीवन पद्धति को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, वह मनुष्यता से देवत्व ऋषित्व पर आरोहण अवश्य पाता है। यह अकाट्य सत्य है और यह वेद का शाश्वत सिद्धांत, उसको हम आत्मसात तो करें। अभी गुरुकुलों के सामने कुछ बड़ी बड़ी चुनौतियां, एक तो गुरुकुलों के सामने पाठ्यक्रम की भी चुनौती, दूसरा गुरुकुलों के अंदर वहां की जो दिनचर्या है, जो गुरुकुलीय पद्धति है, उसके भी ठीक से क्रियान्वयन होने की चुनौती। तो मुझे लगता है गुरुकुल के पाठ्यक्रम वाली समस्या का तो समाधान शायद बहुत जल्दी ही निकल जाएगा, और अभी अलग अलग गुरुकुलों को कई प्रकार से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है पाठ्यक्रम को लेकर के भी। तो उस संदर्भ में हमने, क्योंकि एक तो स्टेट का सब्जेक्ट है 12वीं से पहले एजुकेशन, और
सेंट्रल बोर्ड भी कुछ बने हैं, तो उसमें अब एक नए बोर्ड की स्थापना कैसे हो, ये एक गंभीर प्रश्न है। और उसके बाद में विश्वविद्यालय, वह भी क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़ करके वो भी स्टेट के अधीन आ जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में भी हमने कुछ रास्ते निकाले, क्योंकि सार्वजनिक रूप से वो अभी डिस्कशन का ज़्यादा बड़ा विषय नहीं है, कभी बैठ के बात होगी तो कर लेंगे। हमने दो काम तो कर दिए, या उत्तराखंड में जो पांचवी कक्षा से लेकर के बारहवीं तक, अष्टाध्यायी से लेकर के और व्याकरण दर्शन उपनिषद वेद आदि शास्त्रों का पूर्ण समन्वय, जिसको आर्ष पाठ विधि कहते हैं, उसकी व्यवस्था, और उसके बाद में बीए एमए शास्त्री आचार्य और पीएचडी विद्यावारिधि आदि की व्यवस्था के लिए महर्षि दयानंद ने जैसा सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, उस प्रकार की पाठ विधि हम यहां कम से कम उत्तराखंड और हरिद्वार में तो तैयार कर देंगे। फिर उसका आगे से कैसे समन्वय हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर भी, मेघालय की शिक्षा पद्धति के स्थान पर भारतीय शिक्षा पद्धति की व्यवस्था कैसे हो। मैं पिछले 4 वर्षों से लगा हुआ हूं, आज मैं आपसे कह रहा हूं, और आने वाले 5-10 वर्षों में आप देखेंगे कि मेघालय की शिक्षा पद्धति का एक स्वस्थ विकल्प भारतीय शिक्षा पद्धति से ओतप्रोत एक नए बोर्ड की रचना भी इस हिंदुस्तान में होगी केंद्रीय स्तर पर। और उसके लिए मैं पिछले कई वर्षों से लगा हुआ हूं। जहां तक गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का प्रश्न है, और गुरुकुलीय एक जो जीवन पद्धति है, पाठ्यक्रम और एक जीवन निर्माण की प्रक्रिया, तो एक काम तो सारे गुरुकुलों को तुरंत कर देना ही चाहिए। मैं तो यह समझता हूं जो गुरुकुलों में निर्माण होता है वो पाठ्यक्रम से ज्यादा जीवन पद्धति से होता है, जो मेरा स्वयं का अनुभव। जीवन की पद्धति ऐसी कि उसके अंदर अब सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक अपने आप देवत्व विकसित होने लगता है। तो जितने भी गुरुकुल वाले यहां पर ब्रह्मचारी, और मुझे तो प्रसन्नता लग रही है, अब इसमें कारण क्या है मुझे ज्यादा नहीं पता, कि यहां गुरुकुल के ब्रह्मचारियों से ज्यादा संख्या ब्रह्मचारिणियों की नजर आ रही है, एक बार इनके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। जीवन पद्धति सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक जो गुरुकुल की जीवन पद्धति है वो पूरी तरह से हम अडोप्ट कर लें, तो जीवन का विकास एक नई दिशा में होता है, दिव्य दिशा में होता है। इसको तो सब कर सकते हैं। गुरुकुलों के सामने आर्थिक चुनौतियां भी हैं, हमने कई बार इस बारे में चर्चा की है। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हम जब बैठते हैं तो हमारा मूल विषय यही रहता है कि गुरुकुल हमारी मातृभूमि है, हमारी मातृ संस्था है, उस अपनी मातृ संस्था के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अभी हमने इस देश में योग आयुर्वेद के साथ में स्वदेशी का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। पिछले लगभग 200 वर्षों से स्वदेशी की बात तो बहुत होती रही, लेकिन कोई अल्टरनेटिव, कोई उसका विकल्प न दे सका था। और मुझे कहते हुए फक्र है, गौरव है, कि जिन विदेशी कंपनियों के पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े तंत्र हैं और जो षड्यंत्र करने में भी बहुत सिरमौर हैं, उन विदेशी कंपनियों को भी हमने टक्कर ही नहीं दिया, उनको परास्त करके दिखाया है हमने। और उद्देश्य अर्थ का अर्जन करना नहीं, हम सन्यासियों के तो जीवन का संकल्प ही है, परमार्थ ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो अर्थ भी परमार्थ के लिए हो। तो आने वाले समय में हम, अभी तो मैं कोई तुरंत आश्वासन नहीं दे सकता, लेकिन भगवान ने जो हमें सामर्थ्य दिया है, अभी लगभग 10,000 विद्यार्थियों के लिए हमने गुरुकुल से लेकर के विश्वविद्यालय तक की एक व्यवस्था खड़ी की है। आने वाले 5-10 वर्षों में 1,00,000 से अधिक विद्यार्थियों की क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, वो भी वेद की परंपरा पर आधारित, पतंजलि देगा दुनिया में। और उसमें जितने भी हमारे जो गुरुकुल चल रहे, इसके लिए भी हम पतंजलि के स्तर पर जो हमसे बन पाएगा आने वाले समय में, हम गुरुकुलों के लिए भी कुछ करने की सोच रहे हैं, और हमारा पूरा प्रयास होगा कि इस दिशा में हम उनके लिए जो भी श्रेयस्कर हो वो कर सके। जहां तक प्रश्न है इन
गुरुकुलों में इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो मैंने कहा उसमें एक आर्थिक चुनौती और दूसरा फिर पाठ्यक्रम वाली बात तुमने अभी पूरी की है। इस आर्थिक चुनौती का देखो भाई, जब मैं खुद गुरुकुल में गया तो 40 विद्यार्थियों के अकेले भिक्षा मांग के लाया करता था। तो लेकिन हमारे गुरुकुलों में एक तरफ जो आर्ष पाठ विधि है, तो व्याकरण अष्टाध्यायी महाभाष्य और उस वैदिक परंपरा से पढ़े हुए दर्शन और व्याकरण से लेकर के और वैदिक व्याकरण निरुक्त आदि, उसके विद्वान नहीं मिलते। मैं इस कार्य को हम साइलेंटली कर रहे थे क्योंकि हमने गुरुकुल के नाम पर कोई बहुत ढिंढोरा नहीं पीटा, लेकिन करीब इस समय 500 ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियों को व्याकरण दर्शन उपनिषदों से लेकर के और वेद अध्ययन तक की व्यवस्था हमने तैयार की है और करीब 500 आजीवन ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियां हम तैयार कर रहे हैं, उसमें कुछ कर चुके हैं।